गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का। और स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जेट 2023 के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप लोग अभी ट्वेल्थ कर रहे हो, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्वेल्थ कर ली है, आप लोग 2024 जेट के बारे में सोच रहे होंगे, तो सबसे पहली और जो जरूरी चीज है वो है सिलेबस। आज हम उसी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस पॉइंट से, किस टॉपिक से हमें कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और हमारी रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से हम बहुत ही कम समय में पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से हमारी रणनीति और सिलेबस 2024 में रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें जेट 2024 में सिलेबस परीक्षा पैटर्न के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, मेजर तीन विषय से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तीन सब्जेक्ट आपकी होती हैं जहां से आपको प्रश्न आते हैं। तीन सब्जेक्ट कौन कौन सी? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, कितने कितने प्रश्न आते हैं? तो हर विषय के आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हर प्रश्न आपका 4 नंबर का होता है। हर प्रश्न कितने अंक का? 4 अंक का, यानी टोटली वेटेज कितना होगा? 160। हर विषय के कितने नंबर के प्रश्न होंगे? 160 नंबर की। और जो आपका पूर्णांक होगा टोटल, वो कितना होगा? 480। टोटल पूर्णांक 480। कितने विषयों से प्रश्न आएंगे? 3 विषय, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अब एक प्रश्न हम लोगों के दिमाग में होता है कि क्या हमें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पूछी जाती है, क्या हमें एग्रीकल्चर बायोलॉजी पूछी जाती है। तो मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूं कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी दोनों के 10-10 प्रश्न आते हैं, बाकी जो 30-30 प्रश्न आते हैं वो जो जनरल केमिस्ट्री और जनरल बायोलॉजी होती है उसके आते हैं, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं। यहां तक हमने तीन सब्जेक्ट और पूर्णांक के बारे में बात कर ली। अब हम थोड़ा सा विस्तृत सिलेबस के बारे में चलते हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स में बात करूं, नेक्स्ट सबसे पहले एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर को जनरली अपन 3 पार्टों में बांट लेते हैं। 3 पार्टों में एक यूनिट जो होती है हमारी फर्स्ट, वो तो होती है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी यानी हम कह सकते हैं सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। इसके कितने प्रश्न आते हैं? 15 प्रश्न आते हैं। दूसरी जो हमारी यूनिट होती है वो होती है हॉर्टिकल्चर, इसके भी कितने प्रश्न आते हैं? 15 प्रश्न आते हैं, हॉर्टिकल्चर से 15 प्रश्न। तीसरी जो हमारी यूनिट होती है वो होती है एनिमल हस्बेंड्री, और एनिमल से भी हमें कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न आते हैं, 15, 15, 30 और 10, 40। अब कौन कौन से टॉपिक से आते हैं तो मैं आपको बता दूं, एग्रोनॉमी में एक तो हमारा मौसम और जलवायु, जो कि आपने 11th में पढ़ा है, सिंचाई आपने 11th में भी पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है, जल निकास, खरपतवार, फसल चक्र, शुष्क खेती, मृदा, सबसे बड़ा पॉइंट इसमें मृदा वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें पोषक तत्व एवं उर्वरक, बीज, फसल उत्पादन, जिसमें हम कई सारी फसलें पढ़ेंगे, खाद्यान्न फसलें, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, रेशेदार फसलें, टोटल 31 फसलों के बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैविक खेती, उसके बाद कृषि यंत्र और उसके बाद कृषि विज्ञान का महत्व एवं वर्तमान स्थिति, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जेट 2024 में। ये सिलेबस हुआ हमारा एग्रोनॉमी का। दूसरी अगर मैं बात करूं क्या है, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, कौन कौन से पॉइंट आते हैं? फल एवं सब्जियों का महत्व सबसे पहला पॉइंट, दूसरा वर्तमान स्थिति, वर्तमान के जो आंकड़े होते हैं उनसे भी हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उद्यान प्रबंधन, यानी फलोद्यान प्रबंधन, नेक्स्ट में अगर बात करूं नर्सरी, पादप प्रवर्धन, उसके बाद अगर हम बात करें तो पादप हार्मोन्स, जिसको हम कहते हैं पादप वृद्धि नियामक, पादप हार्मोन्स, उसके बाद परिरक्षण, फल सब्जी फूल एवं औषधीय पादपों की खेती, फलों की हम खेती पढ़ेंगे, सब्जियों की खेती पढ़ेंगे, फूलों की खेती पढ़ेंगे और औषधीय पादपों की खेती पढ़ेंगे, इन सभी से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में अगर बात करें यूनिट सी, यानी पशुपालन, पशुपालन में क्या क्या आएगा?
पशुपालन का महत्व एवं वर्तमान स्थिति जो सभी में आता है। उसके बाद पशुधन प्रबंधन, सबसे मोस्ट है पशुधन प्रबंधन, जिसमें हम आहार प्रबंधन पढ़ते हैं, प्रजनन प्रबंधन पढ़ते हैं, स्वास्थ्य प्रबंधन पढ़ते हैं और अनेक प्रबंधन है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है दूध उत्पादन, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, आपने 12th एग्रीकल्चर में पढ़ा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पशु रोग एवं औषधियां, उसके बाद कुक्कुट पालन, उसके बाद पशु नस्ल, गाय की, भैंस, भेड़, बकरी, ये चार नस्लें आपको पूछी आती है, गाय, भैंस, भेड़ और ऊंट, बकरी की नस्ल आपको नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पशु अपशिष्ट प्रबंधन, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये सिलेबस किसका हुआ? एग्रीकल्चर का सिलेबस हुआ आपका। एग्रीकल्चर को आप तीन पार्टों में बांट सकते हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तीन पार्टों के लिए आपको अलग अलग टाइम देना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो अगला सिलेबस हमारा आता है, अगला सिलेबस क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं, ये भी इंपोर्टेंट है। चलिए अब मैं बता दूं आपको अगला क्या है अपना, एग्रीकल्चर बायोलॉजी। बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है बॉटनी, और बॉटनी को हम कहते हैं पादप विज्ञान। क्या कहते हैं? पादप विज्ञान। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वनस्पति विज्ञान से? एक तो आता है वर्ग की व पादपों का वर्गीकरण। पादपों का वर्गीकरण पढ़ते हम, जैसे आपने पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये पादपों का वर्गीकरण। उसके बाद आवर्तबीजी पादप हम पढ़ते हैं, उसके बाद ऊतक पढ़ते हैं, पादपों में प्रजनन पढ़ते हैं, कोशिका पढ़ते हैं एवं कोशिका विभाजन पढ़ते हैं, कोशिका और कोशिका विभाजन। उसके बाद अगर मैं बात करूं आनुवांशिकी, उसके बाद मैं बात करूं पादप कार्य की, जिसमें हम पादप की विभिन्न क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे पादपों में भोजन निर्माण है, प्रकाश संश्लेषण है, ये क्रिया हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद पोषक तत्व, जो कि हम एग्रीकल्चर में ही पढ़ लेते हैं, एंजाइम हम एग्रीकल्चर में ही पढ़ लेते हैं, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम हम पढ़ते हैं, पर्यावरण हम पढ़ते हैं, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी अपन पढ़ते हैं, फसलें, फलों के रोग हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है जूलॉजी। जूलॉजी के भी 15 प्रश्न आते हैं। अब ये जूलॉजी की अगर हम बात करें, इसको क्या कहते हैं अपन, जंतु विज्ञान। कौन कौन से प्रश्न आते हैं? जीव जगत आता है, जीवों का वर्गीकरण आता है, जीवों की शारीरिक संरचना आती है, अकशेरुकी जीव आते हैं, मधुमक्खी आती है, कीट नियंत्रण की विधियां आती हैं, कशेरुकी जीवों में विभिन्न क्रियाएं एवं स्वरूप इसमें हमें पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 3 एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी के 10 प्रश्न आते हैं जो हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी पढ़ते हैं, और वो मैं बता दूं जो हम 12th में पढ़ रहे हैं वही पूरी बायोलॉजी हमें पूछी जाती है। हम ये अलग से नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारे टीचर हमें एग्रीकल्चर में, जो हम एग्रीकल्चर का पोर्शन देख के आए हैं, वही ये सारी चीजें करा देते हैं, तो हमें इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें अगले पॉइंट पर स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट है अपना वो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, नहीं केवल केमिस्ट्री, क्योंकि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्या है, इसका पार्ट है। अब केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी है वो केवल कितने नंबर की आएगी? केवल वो 40 नंबर की आएगी, यानी उसके केवल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप केमिस्ट्री 12th में पढ़ के आए हो। बाकी जनरल वाली केमिस्ट्री है, जैसे एक तो कार्बनिक होती है, एक अकार्बनिक होती है, यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अगर हम फर्स्ट पार्ट में बात करें जो जनरल केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं, फिर दूसरा परमाणु की संरचना, तीसरा आवर्त सारणी, चौथा रासायनिक बंध, पांचवा रेडॉक्स अभिक्रिया और छठवां है रासायनिक साम्य। ये पॉइंट आपको पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो फिर आपका आता है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, ऊष्मा गतिकी, उसके बाद अम्ल एवं क्षार, कोलाइड्स, फिर उसके बाद धातुएं, एस पी डी ब्लॉक। उसके बाद सी में 10 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, 10, 10, 20, 10, 30। केमिस्ट्री के चार पार्ट है हमारे, कृषि रसायन विज्ञान, मृदा अभिक्रिया, मृदा कोलाइड, जो हम 12th में पढ़ करके आए। आगे अपना क्या है, कार्बनिक रसायन, जहां हम कार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यौगिक, कार्बनिक यौगिक, अम्ल, सभी के बारे में चर्चा करते हैं। जितने भी अम्ल है, जितने भी हाइड्रोकार्बन है, जितने भी एल्डिहाइड है, जितने भी कीटोन है, वो सारे कार्बन के यौगिक होते हैं, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये था हमारा सिलेबस जेट 2024 का। मैंने क्या बताया आपको, आपके जो सब्जेक्ट हैं जो आपने पढ़े हैं 12th और 11th में, उनके प्रश्न कितने हैं तो मैं आपको बता दूं, 40 प्रश्न एग्रीकल्चर के,
10 प्रश्न एग्रीकल्चर बायोलॉजी के और 10 प्रश्न एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के, यानी टोटल 60 प्रश्न उस मैटर में से आते हैं जो मैटर आप लोग 11th और 12th क्लास में पढ़ करके आते हो। बाकी जो 40 प्रश्न आएंगे वो अदर मैटर से आएंगे। 40 प्रश्न उस मैटर से हैं जो आपने पढ़ा नहीं है, आप उसको पहली बार पढ़ोगे। स्ट्रेटजी हमारी क्या रहती है, हमारा ज्यादातर जो फोकस रहता है, हम जो 80% टाइम देते हैं वो इसके लिए देते हैं, और जो अपना 20% टाइम देते हैं वो इसके लिए देते हैं। और इसमें से भी हम टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कुछ टॉपिक होते हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और केवल उन्हीं टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ 60 में से 50 क्वेश्चन करते हो तो 50 चौक 200 नंबर तो आप कहां से ले आए, इसमें से ले आए। बाकी आप मान लो 40 में से 30 यहाँ करते हो तो 30 के कितने हो गए, 40 नंबर आपके यहाँ हो गए, 240 हो गए। और आजकल का ट्रेंड है कि लोगों को 150 प्लस पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है। 150 प्लस अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। ये आजकल वर्तमान में ट्रेंड है जो चल रहा है, तो इसलिए आपको तैयारी जारी रखनी चाहिए। ऐसा मत सोचना कि सिलेबस टिपिकल है, सिलेबस टिपिकल नहीं है। आपको इस पर फोकस देना है जो 60 प्रश्न है। बाकी अगर हम बात करें 40 प्रश्न, इसमें से आपको टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। कौन कौन से टॉपिक सेलेक्ट करने हैं वो हम आगे आने वाले टाइम पर, जब भी आपकी तैयारी चलेगी, जब भी क्रैश कोर्स चलेंगे, फुल कोर्स चलेंगे, उनमें हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। और अगर आप तैयारी के लिए बेस्ट पेपर ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ कॉल करके जितनी भी जानकारी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। थैंक यू।